सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज आशी। और आज का वीडियो है पंजाबी लुक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को थम्सअप देना। और यहाँ पर जो मैंने बेस लगाया हुआ है वो ओलिविया का है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट एंड मेरा फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस था। सो वो भी आपके साथ शेयर हो गया कि होप सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो का थम्स अप देना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फेस पर स्प्रे कर रही हूँ। मैंने एक स्प्रे बॉटल में पानी और एलोवेरा जेल को लिया है और उसी को मैं अपने फेस पर स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मिस फ्लावर का ब्राउन शेड पिक किया है अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करने के लिए। अगर आपको आईब्रोज़ का एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर कुछ टिप और ट्रिक्स के साथ मैंने आपको समझाया है कि आपके आईब्रोज़ पर कौन सा शेड जाएगा, आप कौन सा शेड लो, और सब कुछ आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। सो आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगी। ओके सो उसके बाद मैं अपनी ब्राउ बोन को अच्छे से फिलअप करूँ। मेरा शेड है इस लाइनर का वो ब्राउन कलर है, क्योंकि मेरी आईब्रोज हैवी हैं इसलिए मैंने ब्लैक कलर को यूज़ नहीं किया, ब्राउन कलर को यूज़ किया है। सो अगर आप आईब्रोज़ का वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ कंसीलर ओलिविया का। बेसिकली आज का सारा वीडियो ओलिविया के ऊपर है, मैंने कोई भी क्रीम या फिर कोई भी फाउंडेशन अपने फेस पर नहीं लगाया, सिर्फ ओलिविया का कंसीलर यूज़ किया है। और मेरे ओलिविया का कंसीलर का शेड है 03 और मैं इसे अपनी आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे लगाऊँगी। बेसिकली हम आईब्रो में कंसीलर इसलिए लगाते हैं ताकि उसके एजेस अच्छे दिखें, और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा लाइन आपका ऊपर या नीचे हो गया हो तो वो कंसीलर कवर कर ले। तो अब मैंने उसी एक स्पॉन्ज लिया है और उसी स्प्रे बोतल से अपने स्पॉन्ज को पर स्प्रे कर रही हूँ ताकि वो हल्का सा वेट हो जाए। अगर आप बिगनर हो या फिर अगर आप मेकअप करते हो और आप डायरेक्ट ड्राई जो स्पॉन्ज है अपने फेस पर लगाते हो तो प्लीज़ आप आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से वो अच्छे से आपके कंसीलर को अच्छी फिनिश नहीं देता, हल्का सा वेट करने से वो अच्छी फिनिश देता है। सो जब भी आप मेकअप करें तब आप अपने स्पॉन्ज को हल्का सा गीला करके अपने फेस पर लगाइए, जिससे बहुत अच्छा फिनिश मिलता है। यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ ओलिविया का कंसीलर अपने पूरे फेस पर, अपने फेस पर लगाऊंगी इसे और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। और अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है तो मेक श्योर आप 03 नंबर लीजिए, यह बहुत ही अच्छे से सूट करेगा आपको, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल एक नेचुरल लुक दे रहा था। और जब मैं इसे लगा रही थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं ओलिविया का कंसीलर यूज़ करी हूँ, मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो से ही देखकर इसे यूज़ किया है, और ये बहुत अच्छा कवरेज देता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर है। सो मेक श्योर आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये हाईली रेकमेंड है। और जब मैं इसे लगा रही थी, इसे ब्लेंड कर रही थी, अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, इसका फिनिश देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई। और अच्छे से मैं इसे अपनी नेक तक ब्लेंड करूँगी, अच्छे से मैं इसे अपने पूरे फेस पर ब्लेंड करूँगी। और आपको डैप टैप करके अपने फेस पर ब्लेंड करना है। सो आप देख सकते हो इसका कवरेज बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, थोड़ी देर में ये और भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो अब मैंने यूज़ किया है यहाँ पर स्विस ब्यूटी का पैलेट। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एक फ्लफी ब्रश से मैंने इस ब्राउन कलर को शेड को पिक किया है और मैं अपनी क्रीज पर इसे लगा रही हूँ। सो ये मेरा ट्रांजेक्शन कलर है। बेसिकली ट्रांजेक्शन कलर हम उसको बोलते हैं जो हमारा सबसे ऊपर लगता है, लाइक जो बिल्कुल लाइट होता है, और लाइट जो कलर दिखता है उसे हम ट्रांजेक्शन कलर कहते हैं। सो अच्छे से मैं इसे अपनी क्रीज पर ब्लेंड करूँगी। सो दोनों आईज़ पर मैं आज आपको मेकअप दिखाऊँगी।
उसके बाद अच्छे से मैं इसे ब्लेंड करूँगी अपनी क्रीज पर। सो यहाँ पर मुझे स्वेट आया हुआ है, सो उससे आप इग्नोर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पंजाब में। सो अच्छे से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अब मैंने उसी फ्लफ़ी ब्रश की मदद से इस ब्लैक कलर को पिक किया है और अच्छे से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अगर आप अच्छे से हर एक शेडो को ब्लेंड करेंगे तो आपका जो आईज़ मेकअप है वो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। हर एक कलर ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ी टिप है आपके लिए कि अगर आप बिगनर हो तो आपका जो मेकअप है, आईज़ मेकअप है, वो ब्लेंड होना चाहिए। आपका हर एक शेडो अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर लगाने से खुद ब खुद ही एक क्रीज आ गई है, इसलिए ये बहुत ही इजी है मेकअप करना। सो आप 5 मिनट में ही आईज़ मेकअप कर सकते हो ये वाला, क्योंकि ये बहुत इजी है। मैंने सिर्फ 3 शेड से ही इस कलर को डन कर दिया है, इस आई शेडो मेकअप को डन कर दिया है। सो अच्छे से मैं इसे अपने कॉर्नर्स पर लगाऊंगी, ब्लेंड करूंगी। ओके सो उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ओलिविया का कंसीलर अगेन। सो अभी मैं ब्लेंड ही कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिया है ओलिविया का कंसीलर। एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं एक क्रीज़ बनाऊंगी। सो क्रीज़ बनाना बहुत ही आसान है, इसका सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी अपने चैनल में। सो आप मेक श्योर देख सकते हैं। सो अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर पूछना, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करना। सो अगर आपको क्रीज़ बनाना नहीं आता तो अगर आप 3 to 4 times अगर आप इसे लर्न करेंगे टीथ, तो आप अच्छे से इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लगता है। सो अब मैंने लिया है ये पिंक शिमरी शेड और फिंगर और ब्रश दोनों की मदद से ही मैं अपनी लिड पर इसे लगा रही हूँ, क्योंकि ग्लिटरी शेड को अगर आप फिंगर से पिक करोगे तो वो बहुत अच्छा पिगमेंटेशन देगा, इसलिए मैंने फिंगर की मदद से इसे उठाया है और अच्छे से मैं उसी एरिया पर लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये पेंसिल लाइनर, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं एक बिल्कुल नेचुरल और हल्का सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी अपनी आईज़ पर। सो अगर आपको विंग लाइनर पसंद है तो आप विंग लाइनर यूज़ कीजिए, अगर आपको सिंपल पसंद है आपको सिंपल आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं। सो लाइनर पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आपको देखना है तो मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हो वहाँ जाकर। सो आपको वहाँ पर भी मैंने कुछ टिप्स दी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये मेकअप पंजाब की लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। सो अगर आप ये मेकअप ट्राई करेंगे तो मेक श्योर मुझे टैग करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम में। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो देखकर मेकअप करोगे, तो ये बहुत ही अच्छा लुक है एक पंजाबी लड़की के लिए। सो अच्छे से मैं लाइनर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ट्रांसल्यूशन पाउडर और मेरा शेड है 01 और ये ब्रांड है द फैक्ट्री फैशन और ये बहुत अच्छा ट्रांसल्यूशन पाउडर है। ओके सो अंडर आइज़ पर मैं इसे लगाऊंगी और अपने चीन एरिया पर इसे लगाऊंगी। सो हम क्यों लगाते हैं ट्रांसल्यूशन पाउडर? हम इसलिए अब लगाते हैं ट्रांसल्यूशन पाउडर को ताकि जो हमारा फेस है, जो हमारा बेस है, जो हमारे फेस के ऊपर बेस लगा हुआ है, वो ड्राई हो जाए, वो बिल्कुल भी वेट ना लगे, गीला गीला ना लगे, लाइक वो बहुत ही ड्राई ड्राई और जैसे हमारा पॉलिश किया हुआ लगे, इसलिए हम ट्रांसल्यूशन पाउडर लगाते हैं। सो अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्रांसल्यूशन पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कंटूर और ये कंटूर मैंने घर पर बनाया है। अगर आपके पास भी कंटूर नहीं है तो आप घर पर बना सकते हो, कुछ भी नहीं करना, आपको एक ब्राउन लिपस्टिक की ज़रूरत है और आप अपने स्किन अकॉर्डिंग उसमें फाउंडेशन मिला सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास थी मैक की एक लिपस्टिक जो मैं यूज़ नहीं करती थी, सो उसे मैंने एक बॉक्स में, एक एम्प्टी बॉक्स में उसे स्टोर किया और हल्का सा मैंने, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने अपने फेस के शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लिया और दोनों को मिक्स कर दिया
और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो अगर आप ये कंटूर बना रहे हो तो लिपस्टिक का क्वालिटी अच्छा लीजिएगा। सो ये बहुत अच्छे से और जल्दी ब्लेंड हो जाती है। उसके बाद मैं इसे अच्छे अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने फेस पर, और आप इसे ट्राई ज़रूर करना, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। सो एक फ़ैन ब्रश की मदद से मैं अपने सारे ट्रांजिशन पाउडर को ब्रश आउट करूँगी, अपने फेस से हटा दूँगी। आपको आप आईज़ मेकअप के पहले भी इसे लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपका आईज़ मेकअप का कलर कुछ गिर जाता है आपकी चीक्स पर, आपके अंडर आईज़ पर, तो ट्रांसल्यूशन पाउडर के ऊपर गिरता है, और जिससे आप एक ब्रश की तरह मदद से आप उसे ब्रश आउट कर लेते हैं। सो अच्छे से मैं इसे ब्रश आउट कर लूँगी। और सो ऑफ़ कैमरा मैंने अच्छे से अपने फेस को ब्लेंड कर लिया हर एक प्रोडक्ट को, और उसके बाद मैंने ये ब्लशर यूज़ किया है। मेरा जो पैलेट है इसका भी रिव्यू मैंने दिया हुआ है। मेरा पैलेट है 01, ये अगेन स्विस ब्यूटी का है। सो मेरे पास जितने भी आई शेडो पैलेट है, ब्लशर पैलेट है, वो सब स्विस ब्यूटी की तरफ से ही हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है और आपको बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है। सो अपने चीक्स को मैं ब्लश करूँगी इससे, जो बहुत ही अच्छा कलर देता है आपको। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एंगल ब्रश की मदद से ये रेड कलर जो है अपनी लोअर लैश पर लगा रही हूँ अच्छे से। सो आपको ब्लेंड करके लगाना है जिससे वो एक अच्छा लुक देगा आपकी आईज़ को। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा लुक दिया है। सो यहाँ ऑफ कैमरा मैंने मस्कारा भी लगा लिया है। ओके, तो अब इनर कॉर्नर को भी मैं फिलअप कर रही हूँ उसी पैलेट से जो कलर मैंने अपनी लिड पर लगाया था। सो इट्स अभी मैंने मस्कारा नहीं लगाया है। सो यहाँ पर मैं एक छोटे वाले फ़ैन ब्रश की मदद से अपनी चीक्स को हाईलाइट कर रही हूँ, अपने हाईलाइट एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ। और ये जो हाईलाइटर है अगेन स्विस ब्यूटी का पैलेट है, जो ब्लशर पैलेट था आपको मैंने दिखाया था वही है। सो ज्वेलरी से बहुत फ़र्क पड़ता है। ज्वेलरी जब मैं पहनूंगी तो उसके बाद का लुक और अब का लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो ज्वेलरी और आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके मेकअप को लेकर। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का ये लिपस्टिक, जो बहुत ही प्यारा शेड है इसका। ओके, सो अगर आपको लिपस्टिक लगाना नहीं आता तो ये बहुत ही इजी है, इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो डालूँगी। सो यहाँ पर मैं अपने जो अपर लिप्स का अपर लिप होता है ना, उसका जो हार्ट होता है उसे मैंने मिला दिया है। लाइक वो हार्ट का लाइन जो होता है उसे मैंने मिला दिया है, जिससे बहुत अच्छा वाला लिपस्टिक लगा है। मुझे ये वाला लिपस्टिक लगाना, ऐसा लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपके भी अच्छा लगे। सो अच्छे से मैं इस तरह से अपने जो अपने लिप का जो हार्ट है उसे मैं फिलअप कर रही हूँ। सो आप भी एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है ये लिपस्टिक बहुत। सो अब मैंने मस्कारा लगाया हुआ है। सो उसके बाद दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो यहाँ पर मैंने एक बिंदी लगाई है पैरेटी कलर की। सो आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ता है ज्वेलरी डालकर, आपका हेयर स्टाइल डन होकर। सो पहले और अब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। अब मैं अच्छी लग रही हूँ, पहले भी अच्छी लग रही थी, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अपने घरों पर रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, बाय बाय।